जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के स्टूडियो में, जिसके अंदर जो दोस्तों हम हफ्ते भर का जिसमें भी दोस्तों करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस थे जो हम उसके अंदर कवर करने वाले हैं। दोस्तों इसके अंदर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन जो है ये सभी के सभी आपके समक्ष आए हैं। दोस्तों 35 क्वेश्चन जो है दोस्तों इसके इस वीडियो के अंदर कुल 35 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, जो कि दोस्तों जो याद रखना आप सभी को, ये जो क्वेश्चन दोस्तों आपको एसएससी जीडी के पेपर के अंदर जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, और अगर आपके आगे कोई पेपर आते हैं तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। और दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि दोस्तों हाल ही में किसे ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। दोस्तों मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, ठीक है। और दोस्तों ट्विटर का नया सीईओ जो है दोस्तों ये पराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। बात कीजिए दोस्तों ये कहाँ के हैं, तो दोस्तों ये जो है राजस्थान के हैं। ये कहाँ के हैं, ये दोस्तों राजस्थान के। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए नागालैंड में दोस्तों ये जो राज्य है इसने दोस्तों कॉल योर कॉप नाम से दोस्तों एक जो है याद रखना आप सभी को ऐप या फिर हम बोलते हैं एक वेब पोर्टल जो है इसने इन्होंने जो है लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों याद रखना आप सभी को विवेक जौहरी। कौन, विवेक जौहरी जो है दोस्तों ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और दोस्तों सीमा शुल्क बोर्ड जो है इन दोनों के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, विवेक जौहरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार हर्बल महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दोस्तों हाल ही में दोस्तों किस राज्य ने, दोस्तों जम्मू कश्मीर दोस्तों ये जो राज्य है दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो सर दोस्तों राज्य नहीं है ये। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन दोस्तों हाल ही में किस राज्य फिर केंद्र शासित प्रदेश ने पहली बार अहरबल, दोस्तों जम्मू कश्मीर जो दोस्तों इसने पहली बार दोस्तों अहरबल नाम दोस्तों एक उनका जो है महोत्सव है दोस्तों इसको जो है मनाया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर ने पहली बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है हाल ही में मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को 2021 वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दोस्तों वैक्सीन कौन सा वर्ड दोस्तों, आप देख रहे हैं आप सभी को वैक्सीन दोस्तों ये जो वर्ड है दोस्तों इसे जो है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने जो दोस्तों इसे 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, अगला दोस्तों हमारा सिक्स क्वेश्चन है 52वां 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 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए देश के सबसे ज़्यादा अपना क्वेश्चन क्या है, किस राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए देश के सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आप सभी को मान उत्तर प्रदेश को, किसे, उत्तर प्रदेश को। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हम फिर से एडिट कर लेते हैं और दोस्तों मैं जाकर क्वेश्चन एक बार फिर से समझा देता हूँ। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि दोस्तों किस राज्य को दोस्तों ये जो हाल ही में दोस्तों 52वां दोस्तों भारत अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों ये जो फिल्म महोत्सव हुआ था दोस्तों इस महोत्सव के अंदर जो है दोस्तों शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य या दोस्तों शूटिंग के लिए सबसे योग्य राज्य, सबसे अच्छा राज्य है दोस्तों इसका अवार्ड किस राज्य को दिया गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश को इसका जो है दोस्तों अवार्ड दिया गया है। ठीक है, हम दौड़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो दोस्तों ये किसने जीता है पुरुष वर्ग में। ठीक है, याद रखना है छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव के अंदर पुरुष वर्ग के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, ये जीता है दोस्तों धनुष, किसने, धनुष ने दोस्तों ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला तैरता शुआ शहर के निर्माण की घोषणा की है। तो दोस्तों दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया आएंगे दोस्तों, दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया जो है दोस्तों साउथ कोरिया, इस दोस्तों साउथ कोरिया ने जो दोस्तों याद रखना है को दुनिया का दोस्तों पहला तैरता हुआ शहर जो दोस्तों इसके निर्माण के लिए जो है इन दोस्तों घोषणा की, इन्होंने जो दोस्तों इसकी घोषणा की है कि दोस्तों ये जो है दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर इसके दोस्तों निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने 10,000 व्हाइट लेबल एटीएम को स्थापित किया है। तो दोस्तों याद रखना आप सभी को इंडिया वन पेमेंट्स ने, किसने, इंडिया वन पेमेंट्स जो दोस्तों इन्होंने याद रखना है 10,000 व्हाइट लेबल एटीएम जो है दोस्तों इनको स्थापित किया इंडिया फर्स्ट इंडिया वन पेमेंट्स ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने भारत की एकमात्र प्रमाणित जैविक कीवी फल को लॉन्च किया है। ठीक है, क्वेश्चन आपको जो दोस्तों फिर से मैं आपको रीड करके बता दूँ, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा फिर से आपको बता दूँ मैं, क्वेश्चन है दोस्तों हमारा हाल ही में किस राज्य ने भारत की एकमात्र प्रमाणित जैविक कीवी फल को लॉन्च किया है। तो दोस्तों याद रखना आप सभी को
दोस्तों भारत का एकमात्र जो दोस्तों मतलब दोस्तों भारत का दोस्तों वो कौन सा राज्य है जिसने दोस्तों जो है रखना है आप सभी को, भारत की एकमात्र जैविक कीवी फल जो है दोस्तों इसको लॉन्च किया है, तो वो है दोस्तों हमारा अरुणाचल प्रदेश। कौन है? वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? अगला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2021 को किसने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दोस्तों, याद रखना आप सभी को, BSF ने, किसने? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल जो दोस्तों, इन्होंने अपना 57वां, कितना 57वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो ये इन्होंने मनाया दोस्तों 1 दिसंबर 2021 को। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा? अगला क्वेश्चन है, यानी 12वां प्रश्न है, हाल ही में बेलॉन डी और अवार्ड किसने जीता है? दोस्तों हाल ही में जो है दोस्तों, अभी जो है हाल ही में बेलॉन डी और दोस्तों बेलॉन डी दोस्तों ये जो अवार्ड है, बेलॉन डी दोस्तों ये जो अवार्ड है ये किसने जीता है? तो ये दोस्तों लियोनेल मेसी ने जीता है। ठीक है, बेलॉन डी अवार्ड किसने जीता है? ये दोस्तों लियोनेल मेसी ने जीता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा? अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस, यानी हम दोस्तों प्रत्येक वर्ष को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? ये दोस्तों हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर पुष्कर महोत्सव का आयोजन किया गया? तो दोस्तों आप सभी को मालूम है दोस्तों पुष्कर महोत्सव का आयोजन जो दोस्तों ये कहाँ पर किया गया? तो ये जो दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के अंदर पुष्कर महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत सिरिनेवेला सीताराम शास्त्री का निधन हो गया, वे कौन थी? तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, दोस्तों ये जो सिरिनेवेला दोस्तों जो सीतारामन शास्त्री है दोस्तों, इनका निधन हो चुका है। और दोस्तों ये कौन थी? दोस्तों ये जो है गीतकार थी। ये कौन थी दोस्तों? ये थी गीतकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर ये कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना आप सभी को, दुनिया का सबसे दोस्तों महंगा शहर वो है दोस्तों तेल अवीव। कौन सा है? तेल अवीव जो है दोस्तों ये दुनिया का सबसे महंगा शहर है। ठीक है, किसके, याद रखना आप सभी को, किस रिपोर्ट के द्वारा, और दोस्तों किसने जारी की है रिपोर्ट? पर दोस्तों मैं आप सभी को बता दोस्तों, रिपोर्ट कौन सी है? रिपोर्ट है दोस्तों हमारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कौन सी? वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो याद रखना तेल अवीव जो दोस्तों इससे जो है दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया, या दोस्तों ये जो दुनिया का सबसे महंगा शहर है। ठीक है दोस्तों, ये परमानेंट नहीं है दोस्तों, वैसे दोस्तों ये दोस्तों सभी देश ने जो दोस्तों मतलब याद रखना आप सभी को, सभी ने दोस्तों ये जो है स्वीकार नहीं किया दोस्तों, ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक रिपोर्ट एक दोस्तों इंडेक्स के अनुसार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा? अगला क्वेश्चन है, 1 से 10 दिसंबर 2021 तक किस राज्य ने हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? दोस्तों नागालैंड के अंदर। कहाँ पर? नागालैंड दोस्तों, ये जो राज्य है भारत का दोस्तों, यहाँ पर जो है हॉर्नबिल महोत्सव का दोस्तों आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य फिर केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत पाकिस्तान के करतारपुर साहिब और तमिलनाडु में वेलंकनी चर्च को जोड़ने की घोषणा की है? तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ दोस्तों, दिल्ली ने, किसने? दिल्ली ने दोस्तों जो है हाल ही में, याद रखना आप सभी को, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना तीर्थ यात्रा योजना दोस्तों इसे लॉन्च किया है। ठीक है, और दोस्तों इस दोस्तों ये जो योजना ये दोस्तों ये जो योजना है या फिर हम बोल सकते हैं ये दोस्तों ये जो यात्रा है, इस यात्रा के अंदर जो दोस्तों याद रखना आप सभी को, पाकिस्तान का दोस्तों जो करतारपुर साहिब है दोस्तों, यहाँ से याद रखना, पाकिस्तान के करतारपुर साहिब से लेकर जो है आगे तक दोस्तों तमिलनाडु में दोस्तों जो वेलंकनी चर्च है दोस्तों हमारा जो है दोस्तों 19वां क्वेश्चन हमारा 19वां क्वेश्चन क्या है? वो है दोस्तों डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस नामक पुस्तक जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है उसके लेखक कौन है? दोस्तों आप सभी कौन? डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। कौन? डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश जो दोस्तों इन्होंने दोस्तों डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और दोस्तों गवर्नेंस नाम की दोस्तों एक पुस्तक है, इसे दोस्तों इसका दोस्तों हाल ही में जो विमोचन हुआ है दोस्तों इसके लेखक कौन है? ये है दोस्तों डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश जो दोस्तों इसके लेखक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे वो है दोस्तों हमारा, हाल ही में किसने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली के 34वें कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ कि दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल मनोज
कुमार मागो कौन, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो जो है दोस्तों, इन्होंने दोस्तों ये दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली के दोस्तों 34वें जो है कमांडेंट के रूप में दोस्तों इन्होंने जो पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों हमारा 21वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष दोस्तों राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 2 दिसंबर को, कब 2 दिसंबर को जो दोस्तों हम प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस दोस्तों ये हम मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 पुरस्कार जीता है, दोस्तों अंजू बॉबी जॉर्ज, किसने, अंजू बॉबी जॉर्ज जो है दोस्तों इन्होंने हाल ही में, याद रखना आप सभी को दोस्तों, इन्होंने जो हाल ही में अंबू बॉबी जॉर्ज दोस्तों इन्होंने हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स से दोस्तों वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड दोस्तों 2021 का पुरस्कार जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है 1 दिसंबर 2021 को भारत G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है, इसके संदर्भ में कौन सा युग्म सही है, तो सब मैं पहले आप सभी को बता देता हूँ कि दोस्तों ये जो है इसके अंदर इटली इंडोनेशिया और भारत ये तीनों है। ठीक है, याद रखना इटली इंडोनेशिया भारत ये तीनों की दोनों ट्रॉयका के अंदर है। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है हनुका किस समूह और दोस्तों समुदाय द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला उत्सव है, तो दोस्तों यहूदी, कौन सा यहूदी दोस्तों, ये जो समुदाय है फिर मतलब यहूदी दोस्तों ये जो धर्म है दोस्तों, इस धर्म के द्वारा जो है यहूदी यहूदी जो है दोस्तों इनके द्वारा प्रतिवर्ष जो है ये रखना, प्रत्येक वर्ष जो दोस्तों हनुक्का ये फेस्टिवल जो है ये मनाते हैं, कौन मनाते हैं दोस्तों, अभी आपके साथ अभी जो दोस्तों आप सभी के सामने ही है, कौन मनाते हैं यहूदी दोस्तों, जो धर्म के लोग हैं ये सब मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां प्रश्न है, 1 दिसंबर 2021 को भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए, तो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दोस्तों 1 दिसंबर 2021 को जो है भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष जो दोस्तों ये संबीता पत्रा से संबित पात्रा जो है दोस्तों इन्हें नियुक्त किया गया है, क्या दोस्तों, तो इन्हें नियुक्त किया है भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है 8 दिसंबर 2021 को 7वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो दोस्तों इन डॉक्टर MS स्वामीनाथन दोस्तों ये जो पुरस्कार ये किसे दिया गया है, तो आपसे कहो दोस्तों V प्रवीण राव, किसे, वी प्रवीण राव जो दोस्तों इन्हें दिया गया है 7वां MS स्वामीनाथन जो दोस्तों जो पुरस्कार ये इन्हें दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है जगन्ना, हाँ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है जगन्ना विद्या दिवेना, क्या दोस्तों, जगन्ना विद्या दिवेना शिक्षा सहायता योजना का संबंध किस राज्य से है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य से किसका संबंध है, तो दोस्तों याद रखना आप सभी को जगन्ना विद्या दोस्तों दिवेना दोस्तों ये जो शिक्षा सहायता योजना है इसका संबंध है आंध्र प्रदेश राज्य से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र, हाल ही में राष्ट्रीय दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये पूरा नहीं छपा है दोस्तों, हम छोड़ देते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे वो दोस्तों बथुकम्मा उत्सव किस राज्य से संबंधित है, दोस्तों बथुकम्मा उत्सव जो याद रखना आप सभी को तेलंगाना राज्य से संबंधित है बथुकम्मा उत्सव। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन है हाँ 8 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल अभियान शुरू किया है, दोस्तों महाराष्ट्र ने, किसने, महाराष्ट्र ने जो है दोस्तों मिशन कवच कुंडल अभियान जो दोस्तों ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अंतरिक्ष में बनाने वाली फिल्म या क्या क्वेश्चन क्या है, अंतरिक्ष में बनाने वाली फिल्म कौन सी जिसकी शूटिंग के लिए दोस्तों हाल ही में निदेशक और दोस्तों अभिनेत्री जो दोस्तों ये अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए हैं, पहली बात दोस्तों बता दूं दोस्तों ये जो है किस देश के दोस्तों ये जो है रूस की है, किसकी है ये दोस्तों रूस की, और दोस्तों अगर हम बात करें अगर आपसे पूछा गया कि दोस्तों आखिर जो है इसका नाम क्या है, किसका नाम दोस्तों अगर आपसे पूछा गया हाल ही में इस मूवी का नाम क्या है, तो दोस्तों मूवी का नाम है चैलेंज। ठीक है, मूवी का नाम है चैलेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, 32वां क्वेश्चन है 9 अक्टूबर 2021 को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा
प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों डॉक्टर जी सतीश रेड्डी से। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो है इन्हें 9 अक्टूबर 2021 को दोस्तों एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा जो है प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार सम्मानित किया गया, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और दोस्तों ये जो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी दोस्तों ये किसके अध्यक्ष हैं? दोस्तों ये जो है DRDO के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? दोस्तों ई वोटिंग समाधान पोर्टल जो दोस्तों ये तेलंगाना ने लॉन्च किया, देश का पहला, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने लौंग को भौगोलिक संकेतक टैग दिया है? दोस्तों लौंग को भौगोलिक संकेतक टैग है दोस्तों GI टैग, ठीक है। और दोस्तों पहला GI टैग किसे दिया गया था? ये दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, किसे? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था पहला GI टैग। और दोस्तों अगर हम बात करें कि दोस्तों हाल ही में दोस्तों महाराष्ट्र के किन दो चीजों को दोस्तों GI टैग दिया गया? एक है दोस्तों सफेद प्याज और एक है दोस्तों वाड़ा चावल। क्या वाड़ा चावल और सफेद प्याज को दोस्तों हाल ही में अभी भी दोस्तों जो है इन्हें कौन सा, याद रखना आप सभी को, GI टैग दिया गया, ठीक है, इन्हें दोस्तों GI टैग दिया गया। और दोस्तों वहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों असम के किसे, दोस्तों असम के दोस्तों जो, याद रखना आप सभी को, असम की दोस्तों एक वाइन को, किसे? असम की एक वाइन है दोस्तों, इसका नाम जो आप मुझे कमेंट बताना कौन सी वाइन, दोस्तों उसे भी GI टैग दिया गया। और दोस्तों राजस्थान की सोजत महंदी जो है इसे भी GI टैग दिया गया दोस्तों, और पहला GI टैग दार्जिलिंग की चाय, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इंडियन स्पेस एसोसिएशन का दोस्तों जो पहला अध्यक्ष है दोस्तों ये नियुक्त किया गया है जयंत पाटिल को, किसे? ये नियुक्त किया गया जयंत पाटिल को, ठीक है। दोस्तों ये था हमारा दोस्तों हफ्ते भर का रिविजन का करंट अफेयर। दोस्तों अगले कल से दोस्तों मंडे से दोस्तों 13 दिसंबर से दोस्तों आप सभी को जो है रोज का करंट अफेयर रोज मिलेगा। और दोस्तों ये जो आपके GK दोस्तों आपका GK करंट अफेयर दोनों मिक्स ही होता है दोस्तों, ये जो है बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, इसलिए दोस्तों आप जो है वीडियो को पूरा भी देखना, ठीक है। तो बिना मतलब दोस्तों अभी हमारी वीडियो यहीं पर हम एंड करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।